राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय कृषि मेला संपन्न हुआ है। इस मेले में खेती व किसानों द्वारा किए जाने वाले कामों को आसान और सरल बनाने के लिए उपकरण प्रदर्शित किए गए, ताकि ये उपकरण सस्ती दरों पर किसानों को मिल सके और इसके लिए सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था पर हमारे संवाददाता सुनील सुधाकर पांडे से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, चलिए दिखा दे। राष्ट्रीय कृषि मेला जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगा हुआ है, आज उसका समापन था और यहाँ पर जब समापन हुआ उसके बाद मंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी सब लोग स्टॉलों में पहुंच गए हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं जो स्टॉल लगे हुए हैं। मंत्री जी, आप यहाँ पे स्टॉल्स में हैं और जो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं पूरे प्रदेश भर के जो जैविक चीजें हमारे प्रदेश की आई हैं, उन सारी चीजों को लेके क्या कहेंगे आप? ये तो हमारे विभाग का ही प्रयास है और पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को न केवल दिखाना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। आने वाले समय में जो तरक्की की हम बात कहते हैं, धान के साथ साथ इन सारे उत्पादों को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, इसीलिए राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन किया गया। और सौभाग्य से इस मेले में प्रतिदिन हजारों हजार किसानों का आगमन हुआ और सबने नई तकनीकी का लाभ भी उठाया। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ के विकास में माइल स्टोन साबित होगा। जी, अभी जो यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं स्टॉल्स, उसमें एक सोलर सिस्टम का आया हुआ था, जो छोटे छोटे जो जैसे नरवा है उस नरवा को लेकर के उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट दिया था कि छोटे उस सोलर सिस्टम बिल्कुल पोर्टेबल है। चलते चलते हम बात कर लेते हैं, सोलर सिस्टम बिल्कुल पोर्टेबल है और उससे जो मशीन है तो उसकी लागत तकरीबन 50,000 के आसपास आ रही है, लेकिन उसमें अगर सब्सिडी सरकार दे तो तकरीबन 10,000 के भीतर आएगी और बैटरी फीस 15,000। इतने भी नए मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में मशीनें लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, अब आने वाले समय में उसको विभाग से जोड़ेंगे। अभी आपने ड्रोन देखा जी, हाँ। अभी आपने सोलर सिस्टम देखा, अभी उधर सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, गन्ने का हार्वेस्टिंग करने का लगा हुआ है, तब देखेंगे विभाग के द्वारा किसमें कितनी सब्सिडी दी जा सकती है। हमारा प्रयास है, हमारा विश्वास है, किसान की खुशहाली ही हमारा सब कुछ है, इसलिए हम सब कुछ करना चाहेंगे। जी, पूरे प्रदेश भर में इस बार कॉफी कॉफी बस्तर की कॉफी आई यहाँ पर, जो काफी चर्चा कर रहा, किसानों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, तो उस कॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे प्रदेश भर में करवाने का है। छत्तीसगढ़ में कॉफी भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में चाय का भी उत्पादन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ये सारे उत्पाद बढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे क्रमशः इसका विस्तार करेंगे। जी, तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी हमारे साथ में थे और राष्ट्रीय कृषि मेला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो लगाया गया था, यहाँ पर हर रोज हजारों हजार किसान आते थे, तकरीबन 5,00,000 से ज्यादा, जैसा कि मैंने लास्ट बार इंटरव्यू में आपको दिखाया, 5,00,000 से ज्यादा जो थे किसान वहां पे पहुंचे थे और लोगों से जाके जानकारी लिए। ऐसा ही सोलर सिस्टम से लेकर के जितने भी इक्विपमेंट्स यहां पे आए थे उन पर सरकार अपने कार्यक्रमों से जोड़ेगी और सब्सिडी दे करके किसानों को फायदा देने की बात कही जा रही है। यहाँ पर जो जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा किसानों के फायदे के लिए होगा। रायपुर से मिथिलेश के साथ JK News 24 के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।